सवाल उठाया है संसद के अंदर, उनको भुगतना पड़ा, 4 महीने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए, और हमने, हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर देश को सच्चाई जानने की इच्छा है, हकीकत क्या है, राज क्या है, एकमात्र रास्ता जेपीसी का रास्ता है। तो आज भी हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है, वो फिर एक बार यही साबित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, आंख खुला है और कानून का उल्लंघन हो रहा है, नाक के नीचे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार की पूरी जानकारी होने के बावजूद यह उल्लंघन हो रहा। तो सिर्फ एक ही मांग है, जेपीसी का गठन होना जरूरी है। अभी वक्त है कि जेपीसी का गठन हो और जांच शुरू हो।